और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माफिया को टिकट देने वाली पार्टियों पर सवाल किया। कहा कि उनकी माफिया से गहरी दोस्ती है, जेल में बंद व्यक्ति को भी टिकट दिया गया है। कहा कि धर्म के नाम पर जहर घोलने वाले आजम खान भी आज जेल में है। योगी जी की सरकार आती है तो माफिया राज, ये सब तड़ी पार, ये सब बाहर, या तो जेल में या बेल पर, और बेल में भी यहाँ नहीं रहते, दूसरे जगह जाकर के अपने आप को केस रजिस्टर करा करके जेल के अंदर रहते हैं। ये स्थिति आकर के खड़ी है। आप मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, आप बताइए, यही मुख्तार अंसारी था, यही आतिफ था, और यही आजम खान थे, एमएलए एमपी बन करके घूमा करते थे, आजकल कहाँ है तीनों, कहाँ है? तो ये इनकी जगह वही थी ना।